जसवंत के दर्शकों का आज के विचार संचार कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है, खुशाब्दीद है। अलग अलग विषयों पर हम उनको प्रस्तुत करते हैं, कुछ अपनी बात कहते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं। आज हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ विद्वान श्री हरीश साहनी, जो भारत की भूमि से यहाँ पर पिछले 38 वर्षों से यहाँ अमेरिका में निवास कर रहे हैं और अपने शोभा जो उनका अपना प्रोफेशन है, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और साथ में अभी वो लाइफ इंश्योरेंस का काफ़ी वर्षों से कार्य कर रहे हैं, पर इसके साथ में साहित्य में रुचि रखते हैं और सामाजिक विषयों पर उनकी पकड़ है और उसके लिए चिंतित भी हैं और चिंतन भी करते हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है उनका स्वागत करते हुए। हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार स्वीकार। जी, बहुत बहुत खुशी हुई, हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए हैं। लामा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जी, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है जी कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ। जी 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 जी, ये बड़ी अजब बात है कि पैदा तो मैं हुआ पाकिस्तान में जी, वहां से मेरे पिताजी को भाग के हिंदुस्तान में आना पड़ा जी, जी। और हिंदुस्तान से मैं आज अमेरिका में बैठा हूँ जी, और मैं ये सोचता हूँ कि अमेरिका जो है इट्स लाइक हेवन ऑन अर्थ जी। पर अब पाकिस्तान में कैसे पैदा हो गए, जब हुए उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, लेकिन उसको अभी पाकिस्तान बोला अभी बोलते हैं ना, वैसे आप हिंदुस्तान में पैदा हुए। यदि मेरे पासपोर्ट में देखा जाए तो लिखा है कि बॉर्न इन पाकिस्तान, क्योंकि उस टाइम 1944 ठीक है, ठीक है, चलो। तो वो हम आपसे बात करेंगे आपकी बैकग्राउंड के बारे में। तो ऐसा है कि जो देश के बंटवारे के बाद कुदरती तौर पर यहाँ के वहाँ और वहाँ के यहाँ जो आना पड़ा, तो आज हमने जिस विषय पर बात करनी है वो बड़ा साधारण भी है पर थोड़ा गंभीर भी है। आपने उधर अभी जो जिसको हम पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं, पश्चिमी पंजाब या कहाँ पर थे वहाँ पर आप? हम लोग असल में रावलपिंडी एरिया के। रावलपिंडी, अच्छा अच्छा अच्छा, पटवारी आप? आप यही सोचिए। जी जी जी, तो पटवार से आप, तो उसके बाद फिर आप बचपन आपका कहाँ बीता? ऐसे था कि 1944 में जब पैदा हुआ तो मुझे इतनी याददाश्त नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 1947-48 में हमको हिंदुस्तान में आना पड़ा जी, जी। जब हिंदुस्तान में आए तो काफी मुसीबतों का झेलना पड़ा। किस तरफ आप आए, कहाँ पर? हम लोग आए थे सूरत से, सूरत में पहले, फिर बॉम्बे गए, बॉम्बे से फिर हम इंदौर में सेटल हुए। अच्छा। और जब पिताजी वहाँ की स्टोरी सुनाते हैं तो बड़ा दुख होता है जी जी जी, तो बड़ी दुख भरी कहानियां हैं जी। वो तो देखिए, जब भी कभी इस तरीके का विस्थापन होगा, जब भी हिजरत होगी, क्योंकि नहीं, पर जब इंडिया से यहाँ पर आया तो बड़ा अच्छा जी, लगा जी जी। तो हमारे भी बुजुर्ग जो थे वो रावलपिंडी के थे। अच्छा। हाँ जी, खास रावलपिंडी से ब्लड कहीं ना कहीं मिला हुआ, इसलिए हम कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। तो हिंदुस्तान में हिंदुओं की यही खासियत है, वो सब सोचते हैं कि हम एक दूसरे से किसी तरह से कनेक्टेड हैं जी। ये हमारी यहाँ पर आप 38 वर्ष से आए जी। हाँ। कल आज जो हम जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं तो गंभीर भी है और साधारण भी है। अगर हम उस पर कोई ध्यान दें तो लगता है कि काफ़ी विचलित भी हो जाते हैं और चिंतित भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने भविष्य की बात जब नज़र आती है, जो सीन नज़र आता है, उसमें हम ब्रॉडली जो लेना चाहते थे कि जो पूर्व का कल्चर है और जो पश्चिम का कल्चर है, ये दो सभ्यताएं हैं, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता तकरीबन तकरीबन एक जैसी है, पर यहाँ जो पूर्व की सभ्यता, ईस्ट और वेस्ट की, ये तो एक जमीन और आसमान की बात है। आपको बेसिकली यहाँ पर क्या डिफरेंस लग रहा है भारतीय सभ्यता में और इस सभ्यता में? श्री रामा जी, सबसे पहली बात तो हमको ये बात का फक्र होना चाहिए कि हम हिंदू पैदा हुए हैं जी। और हिंदू जो फिलोसॉफी है इज द ओल्डेस्ट फिलोसॉफी जी जी जी। और हिंदू फिलोसॉफी ओल्डेस्ट के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि फिलोसॉफी वहीं से पैदा होती है जहाँ पर खुशहाली हो, आदमी को सोचने का टाइम है, फ्रीडम है। तो हिंदुस्तान में वो सब चीजें थी, फ्रीडम जो मर्जी सोचो, थी, कुछ भी सोचो। इसी तरह आपने देखा कि एक ग्रंथ नहीं है, हमारे पास कई ग्रंथ हैं, कई पुराण हैं। और ये जो फिलोसफी होने के कारण ही इतनी चीजों की स्टडी की गई
तरीके की, भगवान है तो है, कहाँ है जी, और यदि आपको जीना है तो कैसे जीना है जी, और हर एक की अपनी अपनी सब चीज़ें धर्म पर डिपेंड करती हैं, मतलब सबके लिए धर्म है। धर्म क्या है कि जैसे जानवर का अपना धर्म है, मनुष्य का अपना धर्म है। आज जैसे कंपेयर कर रखा है कि जानवर में और आदमी में क्या फर्क है, जानवर भी वही करता है जो आदमी करता है, लेकिन आदमी के साथ एक और बात है, उसके बाद दिमाग है, उसको दिमाग को यूज करना चाहिए। और दिमाग एक ऐसी चीज है जिसके पीछे बोला जाता है कि कॉन्शियस है तुम्हारा। जब भी तुम कुछ काम करते हो तुमको अंदर से आवाज आती है कि तुम ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो, सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी में है उन्होंने उस कॉन्शियस के पास कोई ध्यान नहीं दिया। वो धर्म की जो हम बात करते हैं उसका, उसके बारे में वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ की वेस्टर्न सोसाइटी इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन बुक्स, वन बुक, वन रिलीजियस बुक, दे डिपेंड अपॉन दैट एंड एवरीथिंग इज दैट आई कैन डू इट। और उनको पिछले जन्म का भी नहीं पता और आगे जन्म का भी नहीं पता, जबकि हमारी ईस्टर्न फिलोसॉफी में बड़ा क्लियर है कि ये तुम्हारा जो जन्म है ये तुम एक तरह से एक स्टेज पे आए हो, एक नाटक कर रहे हो। नहीं, वो देखिए जो आपका फिलोसफिकल या दर्शन के ऊपर, जिसको हम फिलोसफी या दर्शन की बात करते हैं, वो उसको हम अभी एक तरफ रख के, जो हमारा जीवन की स्टाइल है, हमारे पास दर्शन है, हमारे पास फिलोसफी है, हमारे पास कर्मकांड है, हमारे पास सिद्धांत हैं, पर उसको जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में, अब जैसे एक छोटी सी बात है कि हम पानी की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, नदियों को पवित्र कहते हैं, पवन गुरु, पानी पिता, यहाँ तक कर देते हैं, पर जो हमारी गंदगी है वो हम उन्हीं नदियों में फेंकते हैं। यहाँ पर ये लोग पूजा नहीं करते पर नदियों की सफाई करते हैं, तो ये द्वंद्व क्यों है, ये विरोधाभास क्यों है? जो लोग उसकी पूजा कर रहे हैं वो उसकी पवित्रता को नहीं देख रहे, और अगर ये कह लें कि हम अपनी निजी पवित्रता, व्यक्तिगत पवित्रता की तो बात करते हैं पर सामाजिक पवित्रता की हम बात भूल जाते हैं। पर लामा जी, आप एक बात भूल रहे हो जी, ये जो सब चीजें थी ना वो तब थी जबकि इंडिया पूरा फ्री था जी। जब से इन्वेडर्स आए 7th सेंचुरी में, मुगल आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, तो पूरा सिस्टम जो है तहस नहस हो गया जी, तो जो हमारे में पवित्रता थी वो अब धीरे धीरे खराब हो गई, क्योंकि हम लोग उसको, उसको तो हमें करना था अगर निजी तौर पर, हमें व्यक्तिगत तौर पर, जैसे मैं नदी की बात, व्यक्तिगत पे अभी भी है, लोग अभी भी नदी की, पानी की पूजा करते हैं। देखिए जैसे पिछले आंकड़े भी बता रहे थे, इतना प्रदूषण है, मतलब इतना खास करके गंगा जल में जो उनका लेवल ऑफ प्रदूषण का जो मात्रा थी, वो पेयजल नहीं रह गया, मतलब उसका इतना ज़्यादा प्रदूषण था, उसके लिए इतने बड़े प्लांट्स लग रहे, सब कुछ हो रहा है, पर इसके लिए जिम्मेवार जो है वो व्यक्ति है, निजी तौर पर है। पर आप इस चीज़ को भूल रहे हो कि अभी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले अभी 60 साल हुए हैं सर। जी जी, इंडिया पिछले 600 साल से गुलाम रहा है जी, उस गुलामी में सबका दिमाग जो है वो बदल गया। पर ये अमेरिका भी तो गुलाम रहा। नहीं, अमेरिका गुलाम नहीं, ये 300 साल से, इसको भी तो आजादी, 200 साल में बहुत होते हैं जी, और ये अभी सीख रहे हैं जी, जो हमारे पास जो सीखा हुआ वो अभी ये सीख रहे हैं जी। आप देखा जाए तो अमेरिका बिकमिंग मोर हिंदूस जी, अब जबकि यहाँ पर कभी कोई री इंकार्नेशन की बात नहीं करता था, कोई क्रीमेशन की बात नहीं करता था, कोई वेजिटेरियनिज्म की बात नहीं करता था, अब यहाँ के लोग वेजिटेरियन होते जा रहे हैं, दे आर केयरिंग फॉर द एनिमल्स विच दे नेवर केयर्ड बिफोर। तो कहने वाला क्या है कि हिंदूज हैज गिवन अ लॉट टू द वर्ल्ड विच पीपल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ओनली इफ यू आर इंटेलिजेंट, इफ यू आर वेल एजुकेटेड यू एक्सेप्ट इट, इफ यू आर नॉट एजुकेटेड, इफ यू आर नॉट लर्नड पीपल यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, लाइक इन मिडिल ईस्ट दे डोंट एक्सेप्ट हिंदू फिलोसफी, बट ऑल द वेस्टर्न वर्ल्ड विच इज अमेरिका, यूरोप इज एक्सेप्टिंग हिंदू फिलोसफी, दे आर डूइंग मेडिटेशन, दे आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स विद हिंदूज आर ऑफरिंग दिस। इट इज वेरी सैड जो आप बोल रहे हो जी, कि हिंदुस्तान में लोग जो है उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर लेकिन एक बात आपको अच्छी बताता हूँ कि हिंदू का दिमाग जो है ना बड़ा सीधा दिमाग है। मैं केवल उसको हम पूरी सभ्यता या जो ईस्ट और वेस्ट के कल्चर की, ना केवल हिंदुइज्म, पर ब्रॉडली अगर हम ले, विशाल ईस्टर की जब बात करते हो ये से हिंदुइज्म बोल रहे, नहीं नहीं ईस्ट एंड वेस्ट की, मैं ईस्टर्न वेस्ट की जो सभ्यता की बात कर रहा हूँ, जैसे खान पान है, जैसे रहन सहन है, जो ड्रेसअप है, यहाँ का जो कल्चर है, सोशलिस्टिक जिसको कहते हैं, सोशल सिस्टम है, उसकी अगर हम बात करें, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स फैमिली स्ट्रक्चर की है यहाँ पर, ठीक है। जब वहाँ से आते हैं हमें पहले यहाँ पर जो वातावरण दिखता है, जो जो पहनने का ढंग जो है, वहीं पर हमें बड़ा विरोधाभास सा लगता है
कि जिस तरीके से हम अपने आप को पेश करते हैं या हमारे पहनने का जो वस्त्रों की बात है, यहाँ का जो खुलापन देखकर और इसमें इतना ज्यादा है, तो ये कैसे एडजस्ट होते हैं? देखिए एक बात बताता हूँ कि अब अगर ये ड्रेस लेकर के हम बाहर जाएं, वापस जाएं, तो वो नहीं, हिंदुस्तान में भी खुली सब चीजें थी, ऐसी बात नहीं कि ऐसी नहीं थी जी। आप यदि हिंदुस्तान की पिछली यदि फोटो देखेंगे जो अजंता लोरा में है, तो आपको उसमें कोई गंदगी नहीं नजर आएगी जी। ये गंदगी इसलिए नजर आती है क्योंकि समटाइम आपके दिमाग में चीजें डाली जाती है कि गंदी है जी, जी, जी। लेकिन यदि आप हर एक बहन, हर एक औरत को अपनी बहन समझो, बड़ी औरत को अपनी माँ समझो, जो कि हिंदू फिलोसफी में है, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आती जी। जी जी। सो ऐसा है, हमें आप जो बता रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एक लेवल पे जा रहा है। हम चाहेंगे कि अगले सेगमेंट में एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और उसमें हम चाहेंगे कि जो मी और वी का जो कंसेप्ट है, हाँ जी, हमारी सभ्यता में आदमी के व्यक्तिगत उसकी प्रौढ़ता की बात है, उसको ऊपर उठाने की बात है। यहाँ पर मी का अर्थ केवल उसके व्यक्ति से, उसके व्यक्तित्व से संबंधित है। हम इसके ऊपर हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, पर एक छोटा सा ब्रेक। बहुत अच्छा। विचार संचार कार्यक्रम में एक ब्रेक के बाद आपका, दर्शकों का फिर एक बार से स्वागत है। प्रख्यात विद्वान श्री अरीश साहनी हमारे साथ सुशोभित हैं और हम इनसे काफ़ी जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये पूर्व और पश्चिम का मिलन है या द्वंद्व है या द्वंद्वात्मक है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। पर मुझे साहनी साहब ऐसा लग रहा है कि मूलतः जब हम पूर्व और पश्चिम की बात करते हैं तो भारत में खास करके विशेषकर जब पश्चिम की तरफ हम देखते हैं, कंसेप्ट है एकदम एक बात आती है, एक चेतावनी दी जाती है कि भाई पश्चिम की तरफ जरा सोच के जाओ, वहां तो सूर्य भी जब पश्चिम में जाता है डूब जाता है। तो हालांकि आप कहेंगे साइंटिफिकली नहीं डूबता, पर जो है सूर्यास्त है और सूर्योदय है उस सेंस से। तो ये जो सभ्यता का जो निवान है, जो उस तरीके से जो समाप्ति है हो जाती है, इससे काफ़ी लोग चिंतित हैं। देखिए हिंदुस्तान देखा जाए तो बड़ा पीसफुल कंट्री रहा। नहीं, मैं कल्चरली लोग चिंतित हैं जब वो वेस्ट की बात करते उसका हैं, रीजन बताता हूँ उसका। उसमें जिस तरीके से स्वच्छंदता है, इंडिपेंडेंस है या स्वच्छंदता है, तो हालांकि वहाँ पर भी इसको आयातित किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है उसी चीज़ को किया जाए, चाहे वो भाषा है। यदि आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट जी। मेन चीज है फ्रीडम जी। वेस्ट हैज द फ्रीडम, इंडियन हैज द फ्रीडम। मेन क्या है कि इंडियन जो हिंदू जो है, जो ईस्टर्न फिलोसॉफी है, उसमें थोड़ा कंस्ट्रेंट है जी। और वो जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ थोड़ी ज्यादा फ्रीडम है जी। जैसे वहां पर क्या लिमिट में होता है, जैसे बाप है बेटा है, बेटा बाप का आदर करेगा और वो डेफिनेशन है कि तुमको आदर करना ही है, जबकि यहाँ पर बेटा बाप एक उम्र के बाद बराबर के हो जाते हैं। उसके भी कुछ एडवांटेज है लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो हमको ये देखना है कि हमको ईस्टर्न फिलोसफी को संभाल के कैसे रखना, उसके क्या फायदे हैं और वेस्टर्न में क्या फायदा। अब जैसे इंडिया में है, बच्चा उठता है माँ बाप के पाँव पड़ता है, वो बोलता है कि पहली शिक्षा तुमको माँ बाप से मिलती है, तो उसके भी बड़े फायदे हैं। यहाँ का बेटा बच्चा बड़ा हो गया तो बोलता है मैं माँ बाप के बराबर हो गया, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो कहने में लगे कि हमको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि किस सिस्टम से क्या फायदा हो रहा है। अब यदि तुम वेस्टर्न सिस्टम को अडाप्ट करते हो तो उसमें नुकसान काफी हो रहे हैं, जबकि देख रहे हैं यहाँ पर ड्रग प्रॉब्लम है, इंडिपेंडेंस ज्यादा है, बच्चे माँ बाप के सुनते नहीं है, और बच्चे जब बच्चे बाप बुढ़ा हो जाता है तो बच्चे माँ बाप का ख्याल नहीं करते हैं, उनको नर्सिंग होम में डाल देते हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वेस्टर्न सोसाइटी में जी। तो इसीलिए ईस्टर्न लोग लुकिंग एट द वेस्ट साइड इन दैट वे आल्सो। पर अब ये देखिए प्रोग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो इंडिविजुअली वर्क्स हार्ड, ही सेज आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ एंड द कंट्री हैज प्रोग्रेस।
बट देन देखा जाए तो फैमिली वाइज देयर इज लॉस आल्सो। अगर हम इसे थोड़ी सी गंभीरता से लें, इस विषय को जो आपने टच किया, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर वो चाहें तो हमें 7187862255 पर या 7187862255 कॉल पर कॉल कर सकते हैं और आप हमें अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। मैं उस सेंस में कह रहा था सानी साहब कि पूर्व सभ्यता में वहाँ पर ईस्ट में मैं की जब बात करते हैं तो मैं का अर्थ मैं कौन हूँ, तो एक बहुत डीपर और गंभीर प्रश्न आता है कि मैं अपने अंदर वाले मैं को खोजना चाहता हूँ। यहाँ पर जब मैं की बात है तो स्वयं और इंडिविजुअल एक बात आती है, आपका कहना ये दूसरे, हाँ जी हाँ, इसके ऊपर जो है ये बहुत गंभीर है। मैं पूछता हूँ मैं कौन, तो जैसे बुल्ले शाह कहता है की जाना मैं कौन, एक वो बड़ी गंभीर प्रश्न में चला जाएगा। यहाँ पर कहें मैं कौन तो वो एकदम सीधी सी बात है कि मैं फलाना हूँ, मैं सानी हूँ। कि हम लोग आत्मा में बिलीव करते हैं जी, आत्मा और शरीर को अलग अलग समझते जी, हैं जी, और ये जो फिलोसफी है ये सिर्फ ईस्टर्न फिलोसफी है, वेस्टर्न फिलोसफी में है नहीं जी, आत्मा जी, को कोई समझता नहीं। फिर हम लोग ये समझते हैं कि ये जो हमारे को जो बर्थ मिली है बिकॉज ऑफ प्रीवियस कर्मा से मिली है, तो उसकी भी हम वैल्यू देते हैं कि हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे, कि अच्छे घर में पैदा हुए, आज हमारा दिमाग अच्छा है, आई एम नॉट ए टेररिस्ट बिकॉज आई बीन इन द प्रीवियस लाइफ आई वॉज अ बेटर पर्सन। तो ये जो जो थिंकिंग जो डेवलप हुई है ईस्टर्न फिलोसफी में वो वेस्टर्न फिलोसफी में नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि उसमें जो हमें जो समझ आ रहा है आपकी जो बात है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारी सभ्यता में इस जन्म के बाद की भी बात सोचते हैं, भविष्य की बात करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल जो है इसी संसार या अपने जीवन यात्रा तक ही निर्भर है, उसके बाद की सोचने की जरूरत नहीं। लामा जी यही सबसे बड़ी बात है कि जो ईस्टर्न फिलोसफी में जिन्होंने लाइफ को इतनी अच्छी तरह से पढ़ा है, देखा है, समझा है, रिसर्च किया है, कि जो हम लोग री इंकारनेशन की जो बात करते हैं अभी वेस्टर्न सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली देयर वाज ए बिग प्रोग्राम ऑन चैनल 13 और CBS में NBC में, जिसमें दे वर टॉकिंग अबाउट री इंकारनेशन, उस पर डिस्कशन हो रहे हैं। तो कहने को लगे जो ईस्टर्न फिलोसफी में जो हमारे पास चीजें हैं उससे अवर लाइफ गोज वेरी स्मूथ। आप कुछ काम करने के पहले सोचोगे कि मेरा इस करने से अगले जन्म में क्या होगा जी। एक हम शायद कॉल है, देखें। हेलो 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 हेलो, हाँ जी कौन बोल रहे जी, आपका स्वागत है, कौन बोल रहे? हेलो हाँ जी कौन जी? मैं डेलस से विजय शर्मा बोल रहा हूँ। शर्मा साहब आपका स्वागत है, आप क्या कहना चाहते हैं जी? आप अपने टीवी की आवाज बंद कर दें ताकि हम आपकी आवाज सुन सकें। आप अपने टीवी की आवाज बंद कर दें और टेलीफोन को टीवी से थोड़ा दूर ले जाएं ताकि हम आपकी बात सुन सकें। ठीक है जनाब, मैंने कर दिया काम। जी हाँ, अब आप कहें, आपकी आवाज आप हमें ठीक से आ रही है। पहली बात तो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आप कंपैरिजन कर रहे हो ईस्टर्न और वेस्टर्न जी, अब बहुत गंभीर है जी, बहुत जी, क्योंकि मैं तो ये सोचता हूँ कि जो वेस्ट में आ गए जी वो कॉलगेट वाली बात है। हाँ जी, एक बार बाहर निकल आए फिर वापस नहीं जाता कॉलगेट में। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात। अगर हम कंपैरिजन करें दोनों की जी, जो अच्छाई है उसको हम अगर अडॉप्ट कर लेते हैं जी, वही हम लोग कर सकते हैं जी। तो सानी साहब भी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका, कि इनका जो कंपैरिजन था बहुत ही अच्छा था जी 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 जी। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई आपका ये चैनल और आपकी ये वार्तालाप सुन के जी। तो मैं फिर आपको फोन करूं, मैं अभी आपको सुनता हूं अच्छे से, बहुत ही अच्छा आप, लगा। आप सानी साहब से क्या कहना चाहते हैं? सानी साहब आपका जवाब देंगे, सानी साहब बैठे हैं। सानी साहब एक चीज बताइए, आप कहिए, बताइए एक चीज बताइए कि जो हमारे संस्कार है ना वो ईस्टर्न से जो हम बाप दादों के जनरेशन टू जनरेशन हम वो लेते हैं कि संस्कार है हमारे बाप दादा के, हमारे पिता के, हमारे बुजुर्गों के, वो यहाँ आकर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और जीरो से स्टार्ट होकर 1 2 3 स्टार्ट होते हैं। शर्मा जी पहली बात तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए कि वंस यू आर बॉर्न, जैसे कि आप हिंदू पैदा हुए या सिख पैदा हुए या जैन पैदा हुए, बुद्धिस्ट पैदा हुए, इस सेल्फ इज ए प्रिविलेज टू बी बॉर्न लाइक दैट।
उसका रीज़न क्या है कि प्रिविलेज का मतलब क्या है कि आपको ये फ्रीडम मिली हुई है बिकॉज यू आर बॉर्न इन अ फैमिली लाइक दैट कि यू कैन थिंक फ्रीली, यू कैन आर्ग्यू, यू कैन क्वेश्चन. यही एक ईस्टर्न फिलोसॉफी में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि तुम आर्ग्यू कर सकते किसी भी चीज़ के ऊपर, और आपको उसके पीछे की जब आर्ग्यूमेंट करते हो ये नहीं कि आपने कुछ गलत बोल दिया तो आपको मार डाला जाएगा. तो ये बड़ी सबसे बड़ी बात हिंदू को इस बात को समझना चाहिए कि यू आर हैव ए प्रिविलेज बींग बॉर्न हिंदू एंड यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट. यदि ये प्राउडनेस तुम्हारे में आ जाती है तो आपकी आधी ज़िंदगी तो वहीं सुधर गई. फिर आपने यदि ये सोचना चालू कर दिया है कि ये जो जन्म मुझे मिला है किसी अच्छे कर्मों के कारण मिला है और अगला जन्म मुझे कैसा होना है उसके लिए मुझे अच्छे काम करने हैं, तो आपकी आपका काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, रहने का तरीका अपने आप ही बदल जाएगा. आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. आप ये यदि तीन चीज़ों को अपने दिमाग में रखोगे ना तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है और आपके बच्चे आपसे एग्जाम्पल लेके वो भी चेंज हो जाएंगे. जी धन्यवाद आपका शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. तो आपने जो बताया मतलब इसमें कि अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की बात, जो संस्कारों की बात है, तो उसमें मुझे जो लग रहा है जैसे कि मी और जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जब ईस्ट की जो सभ्यता है उसकी संस्कृति है, जब मी का अर्थ लिया जाता है वो अपने अंतर को खोजने की कोशिश करता है, जिसको घट ही भीतर खोजो भाई है ना, जैसे उसको प्रयास करता है और उसमें उसके आगे की कुछ बात सोचता है. यहाँ पर मी का अर्थ बड़ा सिंपल है कि मैं हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ. हमारी सभ्यता में तीन प्रश्न किए जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और क्या जो मैं हूँ वहाँ पर सही हूँ और या मेरी मंजिल क्या है. ठीक बात है. तो ये जो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक याद आता है कि मास्टर तारा सिंह से एक बार किसी प्रोफेसर ने पूछा कि भगवान कहाँ है, तो उन्होंने कहा तुम कहाँ हो, तो वो कहने लगा आई एम हियर. तो मास्टर तारा सिंह ने एक डंडा उठाया और कहा कि ये भगवान है. कहने लगा कि भाई मुझे नहीं आशा थी कि आप इतना हल्का सा जवाब देंगे, कि मैंने आपसे एक बड़ा गंभीर प्रश्न किया तो आपने डंडा उठा लिया. तो मास्टर तारा सिंह ने कहा कि मुझे भी लग रहा है कि मैंने सोचा था तुम बहुत गंभीर और अच्छे पढ़े लिखे हो, मैं तुमसे जो प्रश्न किया है उसका सही जवाब दोगे. तुमने जो कहा, मैंने पूछा वेयर आर यू, आप कहाँ हो, तो तुमने अपने सीने के ऊपर हाथ रख के कहा तो ये तुम्हारा सीना है, ये तुम नहीं हो, तुम तो तुम्हारा सिर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी छाती, तुम्हारा बदन, तुम्हारी कार, तुम्हारी कोठी, तुम नहीं हो. तुम कहाँ पर हो, तुम तो उस दिन इस धरती पर आ गए जब तुम अपने बाप के वीर की एक बूंद में थे. यू रिक्वायर दैट मच ऑफ स्पेस टू लिव. अभी परमात्मा ने तुम्हें इतना बड़ा शरीर दे दिया, तुम यहां पर पहुंच गए, ये तुम्हारा शरीर है. तुम कहाँ हो, तुम अपने सिर में हो, कमर में हो, पैरों में हो, या इससे थोड़ा सा दूर रिमोटली तुम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, और जब तुम्हारा शरीर एक पड़ा होगा जमीन पर तब तुम कहाँ होगे, तो वो जो तुम हो वो कहाँ हो. तुम अपने आप को तो ढूंढ नहीं सके और तुम उस शक्ति को ढूंढने शुरू कर दिया जिसके तुम अंश हो. तो मुझे लग रहा है सानी साहब, क्या आप इससे सहमत होंगे कि हमारी पूर्व की और पश्चिम की यही सवाल है और यही प्रॉब्लम भी है. वहाँ पर हम अपने आप को ढूंढने का प्रयास करते हैं और उससे जिस अंश से हम टूटे हैं उसके साथ जुड़ने की बात करते हैं. देखिए आपने जो बोला ये बिल्कुल ठीक है जी. और आप यदि इंडिया में जाओगे तो इसलिए आप देखोगे कि काफी साधु सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं जी. आप देखोगे अच्छे पैसे वाले लोग एक उम्र में आने के बाद सन्यास ले लेते हैं जी. और आप ये भी देखोगे कि ये चीज जो आप जो बोल रहे हैं ये हर एक के मन में जी. और लेकिन ये है कि उसके लिए प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो बात दूसरी है, क्योंकि वो फैमिली में आ जाता है, कुछ हो जाता है. लेकिन अपने किताबों में, धर्मों में, धर्म की बुक्स में साफ लिखा हुआ है कि उसको पहचानने के लिए तुमको क्या करना है जी. घट ही वेदर उसके लिए सब देखा, उसके लिए मनन करना है, कुछ करना है. इसलिए आपने देखो होगा कि पश्चिमी सभ्यता में आप किसी से मिलने जाते हो तो हाथ मिलाते हो, गले मिल रहे होते हो. हिंदू सभ्यता ये कैसी है जिसमें आप प्रणाम किया, नमस्ते किया जाता है, जिसमें का मतलब ये कि मैं तुम्हारे अंदर उसी को देख रहा हूँ जो मेरे अंदर है. तो इसमें जो एक जो आपने बात ये बहुत गंभीर कही कि जैसे शुरू में कार्यकर्ता या संन्यास ले लेता है, तो मैं आपसे जैसे पहले भी कुछ समझने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ पर पूर्व की और पश्चिम की एक बुनियादी फर्क है.
यहाँ की सभ्यता में एक कंसिस्टेंसी है, एक सारता है। एक व्यक्ति शुरू से लेकर आखिर तक, वो 90 बरस की उम्र या उससे बड़ा भी, वो अपने आराम से, उसके हाथ में वो बियर की बॉटल है, वो अपना आराम से वही जो स्टाइल उसकी 20 बरस थी वही अखीर तक वो चलती है। पर हमारे अंदर ये कुछ एक ऐसी बात नहीं जिसको कहा जाता है कि शुरू में जब वो अपना जीवन यापन प्रयास आरम्भ करता है तो जायज़ नाजायज़ हर तरीके से धन एकत्र करता है, सब कुछ करता है, और उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि एकदम सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लेता है, जो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। एक तरफ तो इतना ज़्यादा विलुप्त हो जाता है परिवार में, इतना ज़्यादा निवृत्त हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है, उसके बाद एकदम निवृत्त हो जाता है। यहाँ जो प्रवृत्त और निवृत्त की बात है यहाँ पर नहीं है, कंसिस्टेंसी है। बाबा जी आप तो, एक बात बोल रहे हो कि हिंदू जो ईस्टर्न फिलोसॉफी में एक बात बड़ी क्लियर की गई है जी, कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो फॉर ईच एंड एवरी एक्शन। जी जी, जब तुमको पता है कि जो भी कर रहा हो उसका रिजल्ट विजयी मिलने वाला है। ये हम जरूर बात करेंगे, पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। विचार संचार कार्यक्रम में, जसवंत के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ कार्यक्रम में साहनी साहब हैं और वो हमें पूर्व की और पश्चिम की तुलनात्मक अध्ययन के बारे में काफ़ी कुछ बता रहे थे। हमारे एक कॉलर आपसे शायद बात करना चाहते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं टोरंटो से समीर लाल बोल रहा हूँ। जी हाँ लाल साहब, स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपका भी विचार संचार कार्यक्रम देख रहा था जी, और सहानी साहब को सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है जी, प्रसन्नता है जी। जी जी, तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई ऐसा कार्यक्रम लाने के लिए और सहानी साहब को इस मंच पर लाने के लिए। जी जी लाल जी, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप उसका जवाब दीजिए। आपको ये प्रोग्राम देखने के बाद क्या लगता है कि ये इस तरह के डिस्कशन ज्यादा होने चाहिए? मेरे हिसाब से तो और ज्यादा होने चाहिए, और ऐसे जो विद्वान लोग हैं उन लोगों को आपको इस मंच से लाना चाहिए जी। न सिर्फ एक क्षेत्र के बल्कि हिंदी साहित्य में कई विधाएं हैं, हर क्षेत्र से आपको लोगों को लाना चाहिए और लोगों से परिचय कराना चाहिए। कम से कम जो पश्चिम में जो लोग आके फिर भी उस विधा से जुड़े हुए हैं और साहित्य की सेवा कर रहे हैं उनको तो निश्चित तौर पर नहीं, हमारा प्रयास है लाल साहब। हम बहुत इसके लिए चिंतित भी हैं कि भाषा जो हमारी है, हमारी संस्कृति है, हमारे पास साहित्य है, वो इतना अमीर है कि उसमें हमें बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है। पर दिक्कत ये आ रही है कि अगर हम अपनी भाषा से ही हमारा संबंध टूट गया तो हम उसको किस चीज़ को बताएंगे, किसको बताएंगे, जब सुनने वाला ही कोई नहीं होगा। तो ये एक प्रयास, गंभीर हमारी तरफ से प्रयास है कि हम साहित्य के और साहित्यकारों को ला सकें जी। लाल जी, आपको लगता है कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वर्ल्ड में हिंदू नेशन का कोई नेशन नहीं है जैसे कि हिंदू फिलोसफी को प्रोपगेट किया जा सके, ये भी एक कारण हो सकता है? आपको लगता है ऐसे? मुझे लगता है कि आप ये हिंदू और हिंदी दोनों में थोड़ा सा मिक्स कर गए हैं। हाँ, मैं मिक्स कर गए। नहीं, हमको आदत नहीं रही ना। वो हिंदुस्तानी कह ले तो मेरे ख्याल सारा कुछ आ जाएगा उसमें। मुझे ऐसा लगता है हिंदी भाषी कहें तो और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तानी भी हिंदी भाषी है। जी 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 जी। नहीं, मैं मुझे गर्व है, मैं पंजाबी हूँ, पर मुझे हिंदी साहित्य से और काफ़ी लगाव है, क्योंकि अगर हमें अपनी सभ्यता संस्कृति और उसको समझना है तो जो साहित्य है हमारा, जितनी वाणी है, जितने हमारी पवित्र ग्रंथ हैं, वो सारी भाषा तो कहीं पर बांधी नहीं जा सकती।
तो फारसी में भी है, संस्कृत में भी है, ब्रज में भी है। हमारा प्रयास है कि हम सभी भाषाओं, सभी विभावों को हम एकत्रित करके एक एक मंच पर ला सकें, ये इसका प्रयास था। तो आप इस चैनल के जरिए कुछ खास संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, या सानी साहब को, या मुझे? जी, मैं ये संदेश तो देना चाहूंगा ही कि ये बिल्कुल गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि सुनने वाले नहीं है। जी, सुनने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे उपलब्ध है, नॉर्थ अमेरिका में भी और पूरे अमेरिका और कनाडा और विश्व के हर देश में। जी जी, एक बहुत बड़ी तादाद है। अभाव इस चीज का है कि उनको सुनाने के लिए उपलब्धता नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अगर उनके पास सुनने के लिए सामग्री होगी और अच्छी सामग्री होगी और एक इस तरह के वरिष्ठ विद्वान जैसे सहनी साहब आपके साथ आए हुए हैं, ऐसे ही अन्य विधाओं के विद्वान भी आएंगे, तो निश्चित तौर पर सुनने वालों की आपको कहीं भी कमी नजर नहीं आएगी। जी हाँ जी। और ये मैंने आजमा के देखा है, स्वयं भी मैंने इस कार्य में मैं संलग्न रहा हूँ। मैं लिखता हूँ हिंदी भाषा में और मैंने देखा है कि पाठकों की कहीं भी और श्रोताओं की कमी नहीं आती। जी हाँ जी हाँ, हम इसी से आशान्वित हैं आपके इस विचारों से, और जो हमें हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भी है। बाकी वो हल्के अंदाज में किसी ने कहा कि पंजाबी बड़ा तंग था, कहता है कि अब हमने ये देश छोड़ देना है। कहता है क्या हो गया, देखिए, कहता है अखबार में लिखा है, समाचार पत्र में लिखा है, रामस्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़ा गया। तो ये तो ये जो नहीं, ये तो खैर एक मतलब, जी हाँ, मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी भाषा से हम बजाय, जैसे किसी ने बड़ा अच्छा, बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था, इंग्लैंड एंड अमेरिका आर डिवाइडेड बाय द सेम लैंग्वेज। सो भाषा का जो मूल मकसद है वो जोड़ना है, पर वो तोड़ने की कहीं वजह ना बन जाए। तो हम, हमारा प्रयास है कि हम अपनी भाषा में अगर सुनने वाले हों तो हम अपनी बात कह सकें। सो बहुत सुनने वाले बहुत हैं, आप लोगों को साधुवाद, ऐसा कार्यक्रम आप कर रहे हैं। जी जी हाँ जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाल साहब, तो फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, जी हाँ, कौन साहब बोल रहे? जी, मेरा नाम महेश है। महेश जी, स्वागत है, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, इलिनॉइस से बोलता हूँ मैं। जी हाँ जी हाँ, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश है आपका? मुझे ये बताना है कि हम इधर इकट्ठे होके बैठे हैं, अपनी चैनल अपना नाम बना के, जी, और सिर्फ हम अपने ही गुणगान गाते रहेंगे, जी, तो मुझे ठीक नहीं लगता है। हाँ जी, बताइए क्या क्या कार्यक्रम में क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से किया जाए? मुझे ये बताना था कि अभी आप बोल रहे हैं कि हम हिंदू सबसे संस्कृत है, सबसे सभ्य लोग है, जी, और सबसे अच्छे है, हमारी संस्कृति बड़ी है। तो जब हम ऐसा बोलते हैं तो मुझे एक बात आप बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ अच्छा है? जी, इसमें भारत में अच्छा है या तो फिर यहाँ अच्छा है वेस्ट में? लॉ एंड ऑर्डर अगर हम बहुत संस्कृत है तो हमारे यहाँ, हमारे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं है? जी 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 जी, सानी साहब इस पे बात करेंगे। जी, आपका कहना एकदम ठीक है, लेकिन आप एक बात भूल रहे हो कि हिंदुस्तान को जब इंडिपेंडेंस मिली 60 साल पहले, तो हमारे जो लीडर जो थे वो लीडर हिंदू नहीं थे। वो आप यदि हिस्ट्री पढ़ेंगे नेहरू के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि ये हिंदू थे ही नहीं। तो हिंदू देश बना ही नहीं हमारा। यदि हिंदू देश होता तो आज आपको ये सब देखना नहीं पड़ता। तो हमको सब ऐसा है, हमको ये देखना है कि किस तरह से हम लोग हिंदू देश बना सके। देखिए सानी साहब, ऐसा है कि हमारा महेश जी बात करें, अगर मैं आपकी ये बात मान लूं, जी, तो आप सदियों से देखे हमारे वहाँ कुसुम भी चला आ रहा है। सदियों से देखे हमारे वहाँ कुसुम था, उसी हिसाब से हमारे वहाँ मुसलमानों ने आके राज किया, उसके बाद अंग्रेजों ने आके राज किया, और न जाने अब कौन आके राज करेगा। क्योंकि आज के देश के अंदर इतना बड़ा मसला चल रहा है, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, संग्राहखोरी, इतने सब चल रहे हैं मसले, फिर भी उसकी केयर करने वाला मुझे तो कोई दिखता नहीं है। दिन ब दिन गुजरता जाता है और हम इस चैनल पर बैठ के आके हमारे गुणगान गाने लगे और दूसरे को, दूसरे के बारे में बुरा बोलने लगे, नहीं, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। हमें बिल्कुल तटस्थ रहना चाहिए। जी हाँ महेश जी, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत है। जो आप कहना चाहते हैं, आपका मैसेज बहुत क्लियर है। आज के इस कार्यक्रम में हमारा किसी वर्ग विशेष की बात नहीं थी। जो भारतीय उपमहाद्वीप, एशिया जिसको कह लें, जो इतना बड़ा इलाका है जिसमें गंगा जमनी विरासत है, सभ्यता है, उसकी ईस्ट और वेस्ट की बात कर रहे थे कि पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता की।
उसकी उसके बारे में कि जो दोनों में द्वंद्वात्मक है, उस कल्चरल डिफरेंस जो यहाँ पर है, जिसको जिसके बारे में कहा अकबर अलाबादी ने, वो जाएं काबा को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, वो देखें घर खुदा का, हम खुदा की शान देखेंगे। ये जो सभ्यता का दो जो डिफरेंस था पूर्व की और पश्चिम की, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। जो यहाँ पर कल्चरली डिफरेंस है, वहाँ पर एक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत उसको कंट्रोल की बात आती है, यहाँ पर समाज की बात आती है, इनके बारे में हम बात करना चाहते थे। उसके बारे में अगर आपका कोई संदेश है कल्चरली सोशली इकोनॉमिकली जो पूर्व की सभ्यता और पश्चिम की सभ्यता, उसके बारे में अगर महेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं हेलो जी हाँ जी मैं यही बताने चाहूंगा आपको जी। कि व्यक्ति से कुटुंब बनता है, कुटुंब से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। इसी अगर हम खुद हमारे घर में लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं करते, तब एक व्यक्ति जब सही नहीं होता है तभी देश सही नहीं होता है। जी हाँ, मैं जी हाँ। तो यही मानूंगा जी जी जी। क्योंकि व्यक्ति एक समूह, देश एक व्यक्तियों का समूह है जी। अगर व्यक्तियों में भी डिसिप्लिन और लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो देश में कहीं नहीं होगा। बिल्कुल, हम व्यक्ति की व्यक्तिगत हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वैकुंठ की बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, लेकिन हम इस्तेमाल अपने जीवन में अंदर कुछ नहीं करते। व्यक्तिगत जब फॉलो करने का आता है तब हम लोग इधर उधर हो जाते हैं और बातें करते हैं आत्मा की, परमात्मा की, स्वर्ग की, वैकुंठ की, इंद्रधाम की, ऐसी सब बातें बड़ी बड़ी करने का हमें बहुत आता है। नहीं नहीं महेश जी, मैं आप जिम्मेदारी भूल जाते हैं जी। हमारी जिम्मेदारी हम भूल जाते हैं तभी देश में अव्यवस्था होती है। बिल्कुल, यही यही देखिए जी महेश जी, जो इंट्रोस्पेक्शन है, आत्मनिरीक्षण है, हम उसी की बात कर रहे थे। फर्क ये मूलतः है, वहाँ पर हम व्यक्तिगत उस चीज़ की बात करते हैं, हम अपने भविष्य की बात करते हैं, हम अपने पूर्व जन्म की करते हैं, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं। वहाँ पर हम अपने परिवार की बात करते हैं, यहाँ पर वो सारी चीज़ें भूल भूल दी जाती हैं, भुला दी जाती हैं। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, हर जगह की अच्छी बुरी बातें होती हैं। हम अच्छी बुरी की हम नहीं कह रहे, हमें ये था कि जो अच्छाई है उसको लिया जाए। दोनों में पहले बुनियादी तुलनात्मक अध्ययन की हम बात कर रहे थे जी। मैं तो ऐसा भी कहूंगा कि बहुरत्ना वसुंधरा जी जी, दुनिया में हर जगह अच्छाई है जी। हमारी जी निगाह ऐसी होनी चाहिए हम अच्छाइयों को देखे जी जी, जी हम जी, इधर बैठे हैं उनकी खाते हैं उनकी खोदते हैं, ये मेरे को सही नहीं लगता है। ठीक है, हम वसुदेव कुटुंबकम जी, अमेरिका का खाना खाते हैं और फिर अमेरिका और वेस्ट की खोदते हैं। जी आप गलत बोल रहे हैं, हमने कोई नहीं लगती है मुझे। ठीक है महेश जी, अच्छाई बुराई तो है ही, ये बात सही है कि नहीं? ठीक अच्छाई है, बुराई सब जगह होती नहीं, है। नहीं हमें हम किसी अच्छाई देखनी चाहिए, पहली तो हमारी ये आदत होनी चाहिए कि हमें अच्छाई देखना चाहिए। नहीं हमने हम परमात्मा सब लोग हमने वो तो कुछ हमने नहीं ढूंढा है, ये ऋषि मुनियों ने हमारे पूर्वजों ने सब ढूंढा है जी। हम जी उनको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये ऐसा ही झंडा लेके हम घूम के घूमते रहे और दूसरों को बुरा बोलने लगे, ये ठीक नहीं है। ठीक है, आपका की, मैंने नहीं की। जी हाँ, हम आपके आपके विचारों से हम पूरी तरह सहमत हैं कि वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा रहा है, या रब्बुल आलमीन कह लें, या एक पिता एक इसके हम बारक, हमें किसी से कोई विरोधाभास नहीं है, पर आत्मनिरीक्षण करना ये भी हमारे लिए जरूरी है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर आपके हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जसवन के विचार संचार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमें प्रसन्नता है कि जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम आत्मचिंतन करें, हम आपको सोचने पर मजबूर करें कि जो हम बात कह रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। हमारे इस कार्यक्रम का केवल ये उद्देश्य है
कि जो भी घटनाएं, जो भी विचार, जो भी मुद्दे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हम उनके बारे में विचार करें, उनका चिंतन करें, चिंतन से जो चिंताएं हैं हमारी वो समाप्त हों। और इसके लिए ये जो आज का विषय था, ये बहुत गंभीर विषय था, ये पूर्व की सभ्यता और पश्चिम की सभ्यता, पूर्व वाले पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं और यहाँ के मटेरियलिस्टिक जिंदगी से ऊबकर वो पश्चिम पूर्व की तरफ जा रहे हैं, और पूर्व वाले पश्चिम की चकाचौंध देखकर वो इस तरफ चकाचौंध हो रहे हैं। अगर मेरा ख्याल आज कह दिया जाए तो सारा देश खाली हो जाए, जो कहने को है। तो इस विषय से पर जो हमारे पास गंभीर विषय हैं कि पूर्व की और पश्चिम का एक मूलतः एक फर्क है, बुनियादी फर्क यह है कि पूर्वी सभ्यता में हमारे देश में, चाहे वो अलग अलग धर्म हो, वो इस जिंदगी के बाद की जीवन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद की बात करते हैं। पूर्व पश्चिमी सभ्यता में केवल मटेरियलिस्टिक पदार्थवाद की बात है, पर उसको भी हम बात करेंगे। एक एक हमें कॉल ले लें। हेलो, एक सेकंड। हेलो, जी कौन बोल रहे जी? हाँ जी, मैं हरजीत बोल रहा हूँ वाशिंगटन डीसी। हाँ जी हरजीत जी, जी आया नो, स्वागत है। शुक्रिया जनाब। हाँ जी। अच्छा, मैंने सनी साहब नमस्कार। सनी साहब जी, अच्छा मेरा सवाल पंजाबी में बोलो चंगा जी। हाँ बोलो जी, पंजाबी बोलो। हाँ जी, मेरा सवाल यह हैगा कि जदों असी हिंदुस्तान सी गए ते सानू बहुत ही फ्रीडम नहीं सी, फ्रीडम इन द सेंस के असी ऑनेस्ट जिंदगी उत्थे जीउ नहीं सी सकदे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਓਨੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਔਰ ਚੰਗੀ ਓਨੈਸਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ? ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਯਦੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਯਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਆ ਹੋ 100 साल, 200 साल, 500 साल, 600 साल, तो तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारे रहने का तरीका सब बदल जाता है। तो वो जो बदला हुआ जो नेचर है ना हमारा, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होने वाला, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी खास बात हमारे में जो ये है कि हम लोग अभी भी अपनी अंदर की आवाज़ सुन रहे हैं, हम अभी भी फ्री बात कर सकते हैं, अभी भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये जो चेंज होगा वो धीरे धीरे होगा। अब हमारे बच्चे यहाँ देखो, वो ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, वो गलत काम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो यहाँ पैदा हुए हैं, हम लोग वहाँ से आए हैं, तो इसलिए हमारे नेचर में थोड़ा भी वो गड़बड़ रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताने में अच्छा समझता हूँ कि यहाँ के लोग जो हैं, हमारी हिंदू फिलोसॉफी, ईस्टर्न फिलोसॉफी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसको ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप देखोगे कि कोई भी एक मैगजीन आप देखोगे, वहाँ योगा का पोस्टर आपको मिलेगा। आप कहीं भी जाओगे तो आप, आजकल बच्चों को मेडिटेशन भी सिखाया जाता है। आपने शायद बचपन में सुना होगा कि हमारे मास्टर हमको कान पकड़वाते थे दोनों तरफ से। अब ये पे रिसर्च कर रहे हैं कि इस तरह से कान पकड़ के उठक बैठक करने से आदमी का दिमाग ठीक हो जाता है। अब ये सब चीज़ें ईस्टर्न फिलॉसफी की यहाँ पर आ रही हैं, इस बात का हमको गर्व होना चाहिए। और आपने जो बात बोली है कि हमारे में थोड़ी कमजोरियाँ हैं, उनको हमको ठीक करना पड़ेगा, तो वो सब हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो ईस्टर्न फिलॉसफी के जो लोग हैं उनका माइंड फ्री है, चेंज होना बड़ा ईजी है हमारे लिए। अब देखिए, इंडिया में बाबा रामदेव आए, अब उन्होंने कितना रिवोल्यूशन खड़ा कर दिया इंडिया में, सब योगा और मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये फ्री माइंड होना, फ्री थिंकिंग होना बहुत बड़ी बात है। जो आप बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका ये कहना है कि हमारी तरफ से व्याख्यान तो है पर अमल नहीं है जिंदगी में। जैसे ईमानदारी की बात उन्होंने कही या और जो चीजें कही, वही
यहाँ पर जो आप कहते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं वो ईमानदार हैं, वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो बेईमान हैं, ऐसा क्यों? भूल रहे हो कि जो हम लोग जिस एनवायरमेंट में पैदा हुए हैं वो गुलामी का एनवायरमेंट, इसका मतलब है कि पश्चिम जो पूर्व का एनवायरमेंट आप कहना चाहते हैं, पिछले हिंदुस्तान का जो एनवायरमेंट रहा है पिछले 500-600 साल में वो गुलामी का एनवायरमेंट, वहां से भी काफी संदेश आए, वहां से भी काफी कुछ आया, ऐसा तो नहीं है कि वो जो एनवायरमेंट आप ये कहना चाहते हैं कि वो पूर्व का पूरा वातावरण जो है दूषित हो चुका है क्योंकि जब गुलामी में रहोगे तो तुम्हारे में देखिए आप देखो इंडिया में जो आप बच्चों की शादी हो जाती थी तो फिर इसका मतलब हम साइंस साहब क्या आप ये सजेस्ट करना चाहते हैं हमें फिर जो अच्छाई है वो पूर्व से पश्चिम से आयात करनी चाहिए? अब लगता होगी वही होगा। चलो ये एक बहुत गंभीर जो एक सजेशन दी है, अब हमें ईमानदारी करेक्टर इखलाक अच्छाई भी जो है वो हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पर समाप्त हो गई है। सो ऐसा नहीं है जी, जब हम हिंदुस्तान में थे जी तो बहुत ईमानदार थे और नहीं है अभी भी ऐसी बात, बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं, हम यहाँ आए हैं तो पूरे फिट हो गए हैं। जी 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 तो हमारे बच्चे तो यहाँ पैदा हुए हैं वो तो फिट है ही है। जी 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 लेकिन जो आते हैं वहाँ यहाँ आकर, जैसे मैं गुरुद्वारे जाता हूँ जी, गुरुद्वारे में लाइन में खड़ा जाता हूँ, जब पहले जाते हैं ना गुरुद्वारे में तो वहाँ चाय सर्व होती है, मिठाई होती है। हाँ जी, मैं तो लाइन में खड़ा हो जाता हूँ लेकिन लोग जो हैं मेरे आगे आकर चाय लेते हैं। मैं कई बार तो ऐसा होता कि मैं 10 मिनट खड़ा रहता हूँ वहाँ इस उम्मीद के लिए कि किसी को तो अनुशासन हो। तो वो आपको होम सिकनेस नहीं होगी इससे, कम से कम एक फायदा होगा, आप होम सिक फील नहीं करेंगे। जी हाँ, धन्यवाद हरजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके विचारों के लिए। हेलो, हाँ जी, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। कौन बोल रहे जी? मैं राज बोल रहा हूँ। हाँ जी राज जी, जी आया हूँ। वैसे इन्होंने ये बोलते हैं कि हम गुलाम थे, ये तो ये आप गुलाम 100 साल भी 200 साल भी निकल जाए तो ये जो स्ट्रक्चर इंडिया का है उसको बदलने में ये आप किसी का गुलामी का सहारा नहीं ले सकते जी। आपको थोड़ा ये स्टेप लेना पड़ेगा, अब जो यंग जनरेशन आ रही है इंडिया में भी पॉलिटिक्स में आ रही है वो सब ये नक्शे थोड़ा ये जो बदल रही है इसका जो करप्शन का जो रूपरेखा है उसको खत्म करने जी जुड़ी हुई है, तो वो दिन दूर नहीं है कि इंडिया भी बाकी कंट्रियों के साथ साथ मेरे ख्याल एक स्टेप आगे निकल जाएगा जी, अनुशासन में और डिसिप्लिन में और ऑनेस्टी में जी। लेकिन अभी जो पुराने लोग बैठे हैं उनको पहले उन्हें सुधारना पड़ेगा, गुलामी के लोग हैं ना, गुलामी के लोग हैं जी जी जी, वो जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक ठीक होगा नहीं। ये आपका कहना, मैं राज से एक तो बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारा देश बिल्कुल चमकेगा बढ़ेगा जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके धन्यवाद। सो दर्शकों, ये कार्यक्रम में हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है हमने जिस गंभीर विषय को चुना था और जिसके ऊपर हम आपके विचार जानना चाहते थे, वो जो पूर्व की सभ्यता और पश्चिम की सभ्यता, उसमें मैं कौन हूँ, या हमारे पूर्व जन्म के हमारे संस्कारों की बातें थी, या हम इस ज़िंदगी के बाद आखिरत की भी बात करते हैं या अगले जन्म की बात करते हैं, वहाँ पर जो मटेरियलिज्म यहाँ पर है अगर कह लिया जाए, उसकी शुरुआत उसकी प्रारंभता भी भारतवर्ष में चारवाक से हुई, जिसने ये कहा कि तुम घी पियो, रोज पियो, कर्जा लेके पियो, जब शरीर भस्मीभूत हो गया फिर कौन मांगेगा कौन देगा। इसी बात को उसी धरती पर भारत की भूमि पर ही बाबर बैश कोश के आलम को दोबारा नेस्त, बाबर ऐश कर लो दोबारा किसने इस आलम में आना, ये जहान फानी है इसमें कोई नहीं आएगा। तो ये जो सारी बातें थी, ये द्वंद था, हम इसमें बात करना चाहते थे, पर लगता है घूम के हम फिर वहीं पर आ जाते हैं, अपने राजनीतिक वातावरण, अपनी पुरानी गुलामी, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। और जिसको एक लफ्ज में ईश्वर सिंह ने बहुत सुंदर कहा था,
अमल करना या ना करना एक काम है तुसा लोकां दा असी वट चाड़ के मुच्छा करन वख्यान जम्मे हां। नवा जी, जी मैं आपको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया है जी, क्योंकि ये लोग और हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आप हमारे दर्शकों का सहयोग रहे तो हमें लगता है कि हम इस सब्जेक्ट इस विषय को अभी छू भी नहीं पाए हैं। नहीं, एक बात तो, लामा जी, ये आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चल गया है, हिंदू इंडिया के जितने भी लोग हैं वो मैं पूर्व हिंदू नहीं हिंदुस्तान या पूर्वी सभ्यता जिसमें पूरा भारतीय उपमहाद्वीप आ जाएगा। लामा जी, आपको एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जो भी ईस्टर्न फिलोसफी है वो हिंदुस्तान से चालू है। चाइना, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दे ऑल फॉलो मोर। हमें हमें वो एक अलग विषय है, वो कौन सी फिलॉसफी है, ताओइज्म की है या दूसरी सभी है या मौलाना रूम की फिलॉसफी है या गुरु ग्रंथ साहिब की फिलॉसफी है, वो अलग से जैनिज्म बुद्धिज्म जी, वो सभी अलग अलग से बड़ा विषय है, उसके ऊपर हम आपके विचार जरूर जानना चाहेंगे। सो हमारा दर्शकों से निवेदन है कि हम साहनी साहब का विशेष तौर पर धन्यवाद करते हुए हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि आप हमें info@justbroadcasting.com या lamba@justbroadcasting.com पर आप हमें बताएं कि आपको हमें हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा और किस विषय के ऊपर हम बात कर सकते हैं। जिन विषयों में आप चाहें उन विषयों को लेकर हम आपके समक्ष इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करें। सो आज के इस कार्यक्रम का समय समाप्त है, एक और कार्यक्रम लेकर हम फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाजत दें। धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़।